मेरे को तो एक कमेंट ये भी आता है, वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मेरे को वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे ही पता है कि मैं कितनी भयंकर बीमार पड़ी 1-1.5 महीने तक। अब लोगों की सोच पे डिपेंड करता है। एक तो कमेंट मुझे बार बार ही आता है, छह छोड़ो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी कमेंट से। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं सब लोग सुरक्षित आए घर। तो ऐसे भी बोल रहे हैं कोई के कोई दब रखे हैं लोकल लोग भी, तो अभी तक कोई मर गए किसी का पता नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों ना अभी काफ़ी अच्छी तेज धूप लग गई है, आप लोग देख सकते हैं, और धूप भी लग रही है और रात को काफ़ी भयंकर बारिश लग रही है। बस यही डर है भाई, क्योंकि जब मतलब दिन भर धूप रह रही है सुबह से लेकर शाम तक, और रात में मतलब जो पहाड़ होते हैं वो गर्म हो जाती है ह्यूमिडिटी, और रात में थोड़ा बारिश लगी तो पूरा मलबा नीचे आ जाता है। और किसी ने मेरे को ये भी कमेंट किया था कि आप पर नाटक करती हो, तो आप लोग ही बताओ। वह हम मंदाकिनी नदी के किनारे हैं और वैसे तो नदी का खतरा भी है हमें, अगर नीचे खेत से आएगी नदी ना तो काफ़ी ज़्यादा खतरा है। अगर नदी का जलस्तर ज़्यादा हो गया तो लैंडस्लाइड होने का ज़्यादा डर है भाई। इसलिए बरसात के टाइम ना हमारे गांव वाले सतर्क पे रहते हैं, अगर ना नदी का मतलब हम ना भागे इसीलिए ना परसों, क्योंकि जब नदी भयंकर आ गई थी तो हमारा जो मकान है ना तो मतलब पूरी तरह से हिल रहे थे, बिम वगैरह हिल रहे थे। 2013-14 की आपदा में भी यही हुआ था, फिर हम ऊपर की साइड भाग गए थे। फिर सुबह के टाइम आए हम यहाँ और हम जाते हैं भाई, सब खेत बहे कोई बात नहीं, लेकिन घर नहीं बहना चाहिए भाई सच में। और आप लोगों को बता दूं अभी दिन की 12 बज रही है और कपड़े वगैरह बाहर डाले, किचन में भी काफ़ी गीला हो रखा था तो वो भी सूख गया। और आज ना भाई ने कि चाचा ने छत में वो भी डाल दिया है, तिरपाल भी डाल दिया है अच्छी तरह से, लेकिन ऊपर की साइड से उतना पानी नहीं आ रहा है जितना कि किचन की पीछे की साइड से पानी आ रहा है। आज का मौसम काफ़ी सुहावना है, काफ़ी अच्छी तेज़ धूप खिली हुई है और नीचे मंदाकिनी नदी का जो जलस्तर है वो काफ़ी मटमीला सा हो रखा है। और मंदाकिनी नदी का जो मुँह था ना पहले इधर की साइड को था, लेकिन अब उधर की साइड को चली गई है और यहाँ से इधर की साइड को, पहले नदी पार थी और अब इधर आ गई है। बाबरे बताएं क्या भाई, इतना खतरनाक हो रखा है ना आजकल मंदाकिनी नदी, कल परसों से काफ़ी ज़्यादा डर भी लग गया है भाई। और जहाँ बादल फटा ना तो वहाँ हमारे काफ़ी सारे रिश्तेदार भी रहते हैं, और अभी उनकी भी खबर आ रही है कि वो भाग गए थे बादल फटने से पहले, मतलब जब बिजली कड़क रही थी ना उस टाइम में, मतलब वो भाग गए थे ऊपर की साइड को। और बादल भी ऐसी जगह फट गया है ना इधर से लोग आ सकते हैं ना उधर से लोग आ सकते हैं, तो कल उनको भी निकाल दिया है सुरक्षित वापस शायद। वैसे तो कोई फेक न्यूज़ डाल रहा है कोई ऐसे ही, तो अभी कोई भरोसा नहीं है। तो चलिए जी चलते हैं अपने लकड़ी वाले किचन में। बाकी ये रहा हमारा लकड़ी वाला किचन, और मम्मी ने देखिए यहाँ पे अच्छी सी सफाई कर रखी है लकड़ी वाले किचन में, और अभी यहाँ पे बन रहा है भात। तो अभी मम्मी ने ना पतीली पे चावल रख दिए हैं और यहाँ पे ना मम्मी ने आलू भी वो कर दिए हैं, थेस लिए हैं भाई, आज बनेगी स्वादिष्ट आलू की खिचवाणी। तो चलिए यहाँ पर अच्छी सी आग भी जल रही है और बाहर काफ़ी अच्छी तेज़ धूप भी लगी हुई है। मेरे को तो एक कमेंट ये भी आता है, वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मेरे को वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे ही पता है कि मैं कितनी भयंकर बीमार पड़ी 1-1.5 महीने तक, वो तो मुझे ही पता है। लेकिन मैंने ना अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि कुछ बीमारी नहीं थी, सिर्फ कमजोरी के कारण हो रहा था ये सब। आप लोगों ने मेरी हालत तो देखी होगी कि बीच बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर, मतलब काफ़ी वीकनेस आ गई थी मेरे पे, तो मैं हॉस्पिटल भी गई थी, मैंने ब्लॉग भी बनाया था थोड़ा बहुत। लेकिन आप लोग झूठ समझते हो तो झूठ ही सही भाई, क्या ही बोले भाई, अब आप लोगों की सोच पे डिपेंड करता है। एक तो कमेंट मुझे बार बार ही आता है, छह छोड़ो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसकी कमेंट से। हेलो गुड मॉर्निंग राधे राधे जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप लोग, सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो दिन का लंच बनाने के टाइम हो गया है, लंच बनाते सुबह से, तो घर का काम किया क्योंकि कल से तो बुरी बुरी खबर आ रही है कल परसों से, और हमारे रिश्तेदार भी बहुत सारे वहीं रहते, किसी की दुकान है किसी के खर्चा रहे, अभी तो पता भी नहीं चल रहे हैं, फोन भी नहीं लग रहे हैं, बहुत वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, और अभी तो जा रहे हैं
पूरी दो यात्री दो निकाली भी है, सुरक्षित हेलीकॉप्टर लगातार लगा हुआ है केदारनाथ के चक्कर मारने पर, और तीन जगह बादल फटा और सौंदर्या में बहुत तबाही हो गई है, गौरीपुर में भी और अभी लोकल लोग भी बहुत सारे फेस्टिवल फंस रखे हैं वहाँ, फंस रखे हैं अभी पता ही नहीं चल रहा लोकल लोगों को भी, और दुकान है तो सारी दब गई है वहाँ, किसी की होटल था किसी की ऐसे बिस्किन दुकान है भी रास्ते में जगह जगह, छोटा छोटा बिजनेस था लोगों का अपना, अपना रोजगार था, अपने बच्चों को पालने के लिए थोड़ा बहुत पैसे कमाने के लिए कर रखा था, तो पता नहीं भगवान है वो बोले ना जाने कैसे क्या है, तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं सब लोग सुरक्षित आए घर, तो ऐसे भी बोल रहे हैं कोई कि कोई दब रखे हैं लोकल लोग भी, तो अभी तक कोई मर गए किसी का पता नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कितना आए, जैसे अब आए 2013 की वह सेवा कर दो पूरा उतने ही पानी आया, जो ऊपर वाला हमारा वो बड़ा पुल बना रखा गाँव आने जाने का उसके नीचे तक आया पानी, पुराना पुल होता तो पुराना पुल भी ऊपर के साल एक झटके में गया, और रात को यात्री की गाड़ी भी थी ऊपर पार्किंग में लगाई वो भी बह रही है, और पता नहीं कितने आए कितने नहीं आए अभी कोई खबर नहीं। तो चलिए जी, बाहर ना काफ़ी भयंकर धूप हो रही है, तो अभी जा रही हूँ गौशाला गाय को बांधने के लिए, तो चलते हैं गौशाला की तरफ। मंदाकिनी नदी का जो जलस्तर है वो तो काफ़ी मटमीला सा आ रखा है, और काफ़ी भयंकर तो नहीं है अभी, लेकिन कम हो गया है, इधर की साइड भी आ रहा था पानी लेकिन अभी नहीं है, अब सिर्फ इधर ही की साइड है। गाय को मैंने अंदर भी बांध दिया है, अब इसके पास ना घास डाल देती हूँ। तो दोस्तों चलिए जी, स्वादिष्ट ना लंच भी बनके तैयार हो गया है, लंच में है थेचवाणी चावल और साथ में है खीरा, तो चलिए जी गर्मा गर्म लंच का आनंद लेते हैं। दोस्तों चलिए जी, लंच वगैरह करने के बाद हमने थोड़ी देर आराम किया, और अभी मैं गौशाला जा रही थी, गाय को बाहर निकाल दिया है, बाकी ना अभी भी नदी का जो जलस्तर है वो कम नहीं हुआ है, यहाँ नीचे देख सकते हैं भाई, नदी का जो जलस्तर है वो ऐसी है मटमीला सा, थोड़ा बहुत नदी कम हो रखी है, लेकिन परसों रात से ना, मतलब परसों रात से तो कम ही है, और नदी ना यहाँ नीचे पहाड़ तक टकरा रही थी, और ऐसे लग रहा था जैसे समुद्र होगा, सच में भाई मैंने सिर्फ टीवी में देखा था, और या तो उस दिन आपदा के टाइम देखा था 2013 में, या तो परसों देखा, सच में भाई बहुत ही डरावना माहौल था। और अभी ना केदारनाथ में जो रास्ते में फंसे थे पैदल यात्रा में 200 यात्री, 200 से ज़्यादा या कम उतने ही यात्री हैं, तो उनको अभी वहाँ से निकाला जा रहा है, और अभी बोल रहे हैं कि 4 की मौत हुई है या 5 की हुई है और कुछ लापता भी हैं। तो अब तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, परसों रात को ना मेरे पैर ऐसे कांप रहे थे, नदी मतलब हम ना रोटी खा के नीचे कमरे में गए तब तक नदी इतनी भयंकर आई एक झटके में, और सबको ऐसा लगा ना कि मतलब नदी यहाँ नीचे पे आ गई, स्वयं ऐसा ही लगता है कि पानी का कोई भरोसा नहीं रहता है। आप लोगों ने कमेंट भी कर रखा था कि नदी तो आपके घर से काफ़ी दूर है तो नहीं आएगी, तो कोई भरोसा नहीं है, नदी भी टूट भी सकता है भाई, ऐसा कोई भरोसा नहीं रहता है, तो इसलिए अपनी जान बचाने के लिए हम उधर भागे थे। और थोड़ा सा भैया ने कॉल किया कि नदी थोड़ा कम हो गई है, तो हम घर आए, फिर बारिश भी बंद हो गई थी, फिर 2-3 बजे सोए हम। बाकी आज तो काफ़ी अच्छी तेज़ धूप रही, लेकिन रात को लगता है काफ़ी भयंकर बारिश आएगी, बादल देखे हुए आसमान में छाने लग गए हैं, काले बादल पूरी तरह से इधर से तो पैक हो गए हैं, अब इधर से ही पैक होना बाकी है, नीला आसमान काले बादलों के बीच पैक हो जाएगा भाई। आप लोगों को ना कल अपने गांव की साइड ले जाऊंगी घुमाने के लिए, वहाँ क्या क्या हुआ परसों, तो आप लोगों को दिखाऊंगी ब्लॉग के माध्यम से। बाकी अभी ना मुझे अब कल परसों कॉलेज जाना है, तो मुझे कॉलेज के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने हैं, थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह भी करनी है,
तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।